सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी जोन के नेतृत्व में निकाले गए पैदल पुलिस मार्च का प्रारंभ माधव चौक से हुआ। इस दौरान जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक शिवपुरी जोन द्वारा दुकानदारों से भी चर्चा की गई और उन्हें यातायात अवरुद्ध न करने की समझाइश दी तथा दुकान पर आने वाले ग्राहकों के वाहन भी पार्किंग स्थलों पर ही पार्क कराने के लिए कहा गया। पैदल पुलिस मार्च प्रगति बाजार होते हुए फ्रूट मंडी पर पहुंचा, उसके बाद टेकरी होते हुए माधव चौक पर समाप्त हुआ। मार्च के दौरान कलेक्टर शिवपुरी जोन ने क्षेत्र की पुलिसिंग से संबंधित सामान्य समस्याओं की भी जानकारी प्राप्त की गई तथा दुकानदारों से अपना सामान रोड पर न रखने की भी अपील की गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, जो आज आपके द्वारा जो चालानी कार्रवाई की गई है, किस प्रकार की क्या कार्रवाई थी? आज बेसिकली हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय का निर्देश है, खासतौर से हमारे जिले के हर थाने में शाम को एक रोड मार्च ताकि रोड की बंद है पूरा मार्केट जहाँ बहुत विवाद है उसको व्यवस्थित करें। इसके अलावा जो संवेदनशील स्थान है जहाँ भी भविष्य में भी दोनों में त्यौहार आने वाले हैं, भीड़ रहेगी, उन रास्तों को भी चेक कर लिया जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। इसमें सभी जगह पर कार्रवाई की गई है। इसमें कई जगह पर देखने में आ रहा था कि लोग व्यवस्थित तौर से गाड़ियाँ नहीं लगाते हैं, इसका एक कारण ये भी समझ रहा है कि जगह पार्किंग प्रॉपर नहीं है या पार्किंग की जगह पर दूसरे लोगों ने गाड़ियाँ या अपनी दुकान का सामान आगे बढ़ा के रखा है। उनका 34 पुलिस की कार्रवाई भी की गई है। जो मोटर व्हीकल एक्ट की हमारी मशीन से कार्रवाई आजकल POS से हो रही है वो भी की गई है। हमारे साथ 50 जो हमारे कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग के लिए चल रहे हैं उनको भी ये सिखाया गया कि कैसे कार्रवाई करनी है। POS मशीन में आपके पास में बड़ा क्लियर कट वही सामने आ जाता है कितना चालान होगा क्या होगा, और अगर वो टाइम से नहीं करता है तो कोर्ट में मामला चले जाता है जिसमें ज़्यादा चालानी कार्रवाई होती है। ये मान रहे हैं कि शहर को अच्छा करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए हमको पार्किंग की व्यवस्था करनी है और इसमें अगर दुकानदार सहयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान्य गढ़ साहब बीच में आए थे तो उनके द्वारा भी इसमें पार्किंग में जहाँ बेसमेंट वगैरह में पार्किंग की व्यवस्था है उसके लिए सीएमओ और सभी को निर्देशित किया गया है। प्रशासन के अन्य सभी शाखाओं का भी हमको सहयोग मिला है और ये हमारा कंटिन्यू रहेगा रोड मार्च करना ताकि पुलिस की वजह से लोगों में एक आकर्षित सिक्योरिटी का भी रहे, दूसरा क्षेत्र का परिचय बहुत अच्छा हो जाए पुलिस वाला जो घूम रहा है कहाँ क्या है, तीसरा की जो आम व्यवस्था है मार्केट की वो अच्छी हो। आज सर चालान भी काटे गए थे इसमें और नोटिस भी जारी किया है। हाँ, चालान काटे गए हमारी तरफ से 34 पुलिस के चालान काटे गए। मुझे जो बेसमेंट में पार्किंग की अवस्था लग रही थी उसकी नोटिस वगैरह भी दी। सर एक सवाल होगा सर, पार्किंग होने के बावजूद भी पार्किंग बंद है और बाहर ये सब जब देखते हैं और जाके देखते हैं और उसको बात करते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। इसलिए इसमें सीनियर मोस्ट ऑफिसर से लेकर सारे लोगों को शामिल किया है ताकि कोई बात है तो उसको हम सोल्यूशन दें और उसको परमानेंट कर पाएँ उसकी व्यवस्था, यही इसकी कोशिश है। सर कुछ बेस में मंदिर बना रहे हैं, कुछ बेस में मंदिर बना रहे हैं सर। हाँ, वो तो एक प्रावधान के तहत है उसका बेसिकली पार्किंग होना चाहिए, छोटा मोटा कोई स्थान बनाता है तो अलग है लेकिन बेसिक पार्किंग का ये उसमें नहीं बाधित होना चाहिए, ये सामान्य प्रावधान है उसके तहत नोटिस देकर उस पर कार्रवाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।